कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जब एक जख्मी आदमी अपनी कार से आता है और वो अपनी कार को जला देता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है साल 1968 में, जहां पर तीन दोस्त सत्या, गांधी और ज्ञान को दिखाया जाता है। सत्या के पिता दारू बनाते हैं और गांधी एक क्रांतिकारी है जो गांधी के आदर्शों पर चलने वालों में से होता है। तीनों एक दिन ताश खेल रहे होते हैं, तभी अचानक से इनमें लड़ाई होने लगती है और ये एक दूसरे के सिर पर जोर से मार देते हैं। इसकी बात पंचायत के जरिए गांधी महान के पिता को पता चल जाती है। वो बहुत नाराज होते हैं और उसको बहुत मारते हैं और कहते हैं कि वो गांधी के आदर्शों पर चलने वाला है और उसका बेटा ताश खेलता है और उससे वादा करने को कहते हैं कि आज के बाद वो ताश नहीं खेलेगा, दारू को हाथ नहीं लगाएगा और एक अच्छा आदमी बनेगा। गांधी इन सब बातों के लिए मान जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और गांधी बड़ा हो जाता है और एक बहुत ही ताकतवर इंसान बन चुका है और अकेले ही कईयों के बराबर है। और तभी उसका बेटा उसे उठाता है और पता चलता है कि वो सपना देख रहा है। ये साल 1996 है और दिन 15 अगस्त है और उसके उठते ही उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि इस बार की पगार में उसे 50 रुपए कम क्यों मिले हैं। गांधी कुछ नहीं बोलता, पर बाद में उसकी पत्नी को ये पता चलता है कि वो सिनेमा देखने गया था, जिससे वो और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और बाद में पता चलता है कि आज गांधी का जन्मदिन है। गांधी एक स्कूल में पढ़ाता है जहां उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है और उसका ससुर भी उसे एक तोहफा देता है जो कि गांधी जी के जैसा एक चश्मा होता है। उस शाम को जब वो अकेला बैठा होता है, एक आदमी उसके पास आता है और इससे कहता है कि दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपनी राय खुद बनाते हैं और जो बाकी होते हैं वो गांधी की तरह ही जीते जीते मर जाते हैं। ये बात सुनकर गांधी को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन उसकी पत्नी को किसी काम से एक दिन के लिए बाहर जाना होता है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसके जाने के बाद वो अपनी पत्नी के गुल्लक को तोड़ता है और वो पैसे लेकर एक क्लब पहुंचता है जहां पर वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम रॉकी होता है। वो बताता है कि गांधी उसका टीचर रह चुका है और उसे स्मोकिंग की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि ये क्लब उसी का है। ये कहकर वो उसे और ड्रिंक करवाता है। ड्रिंक करते करते महान कहता है कि उसे ताश खेलना है। रॉकी उसे अपने पापा के पास ताश खेलने के लिए ले जाता है। उसके पापा और कोई नहीं बल्कि सत्या होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रात गांधी सत्या के घर ही रुक जाता है और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो दिन के 1:30 बज रहे होते हैं। तब वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो गांधीवादी है। उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होंगे। महान सत्या को लेकर अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी और ससुर बहुत परेशान होते हैं। वहां पहुंचते ही वो एक झूठी कहानी बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और सत्या ने उसको बचाया, पर उसका ससुर सत्या को पहचानता है। और वहीं गांधी की पत्नी को ये पता चल जाता है कि गांधी ने दारू पी थी। सब में एक बहस छिड़ जाती है और गांधी की पत्नी सत्या को थप्पड़ मार देती है। इस बात से गुस्से में आकर गांधी अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। सत्या अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ गांधी की पत्नी भी अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। गांधी अपने ससुर के घर जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसे अपने साथ आने को बोलता है, पर वो मना कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। उसे उसके घर से निकाल दिया जाता है और वो एक गांधी की मूर्ति लेकर घर से निकल जाता है कि तभी सत्या और रॉकी वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसकी पत्नी उससे प्यार करती थी तो वो जरूर आएगी, नहीं तो वो उससे प्यार नहीं करती थी। गांधी सत्या के साथ उसके घर जाता है और वहां बहुत पी लेता है। फिर सत्या को एक आइडिया देता है कि अगर वो इस शराब को अपने पापा के नाम पर बेचेगा तो बहुत कमाई होगी और उसका नाम सत्या के पिता के नाम पर सूरा रखने को कहता है। ये सुनते ही सत्या खुश हो जाता है और गांधी को अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद दोनों मेहनत करने लगते हैं और इनकी कमाई शुरू हो जाती है। एक साल के बाद गांधी सारे बार के मालिकों से एक सिंडिकेट बनाने को कहता है जिसमें कुछ नियम होंगे और इस यूनियन के मेंबर्स ही दारू बेच पाएंगे। सब मान जाते हैं और पहले 3 साल के लिए सत्या को इस सिंडिकेट का लीडर बनाया जाता है। एक आदमी होता है जिसे इस बात से दिक्कत होती है तो गांधी उसे एक ट्रक में बांधकर वहां से कहीं और भेज देता है। अंदर ही अंदर गांधी को अपनी बीवी और बच्चों की याद आती रहती है और वो उनको ढूंढने की भी कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। सत्या उसे रॉकी को ही अपना बेटा मानने को कहता है। उस दिन के बाद वो रॉकी को अपने बेटे की तरह मानने लगता है। एक दिन जब तीनों एक बार में पी रहे होते हैं, इनको एक स्पेशल ड्रिंक दी जाती है जिसे पीकर ये बेहोश हो जाते हैं और इनको उसी आदमी के पास पहुंचाया जाता है जिसे गांधी ने ट्रक में बांधा था। वो इन लोगों पर हमला कर देता है। गांधी किसी तरह सबको मारता है और सत्या और रॉकी को बचा लेता है। दोनों उसके एहसानमंद हो जाते हैं। कहानी 2003 में पहुंचती है।
जहां पर सत्या को अपने बेटे के फ्यूचर की चिंता होने लगती है और वो गांधी से कहता है कि बिजनेस छोटे लेवल पर ही करना चाहिए। लेकिन गांधी उसे कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी रॉकी को खतरे में नहीं आने देगा और अब ये बिजनेस वो खुद ही संभालेगा। तभी पूरे शहर में ये अनाउंस होता है कि अब सिर्फ अप्रूव्ड दारू ही बेची जाएगी। इससे परेशान होकर वो एक प्रॉपर्टी मेंबर ज्ञान से मिलता है और फिर ये पता चलता है कि ये तो उनके बचपन का तीसरा दोस्त है। गांधी उसे 25% का ऑफर देता है और वो मान जाता है। इसके बाद ये तीनों बचपन के दोस्त मिलकर ये बिजनेस को चलाने लगते हैं। सत्या और गांधी अपने पैसे लगाकर ज्ञान को MLA की सीट दिलवाता है और वो जीत जाता है। साल 2008 में गवर्नमेंट की नजर इन पे पड़ती है और IAS देवा इन पर एक रिपोर्ट बनाता है। इसी बीच रॉकी की शादी हो जाती है और शादी के दौरान ज्ञान गांधी को IAS देवा के बारे में बताता है और कहता है कि अगर वो मर जाएगा तो ज्ञान मिनिस्टर बन सकता है और मार्केट में उनकी मोनोपोली होगी। ये सुनते ही गांधी मान जाता है और उसके लड़के देवा को एक गाड़ी में कुचल कर मार डालते हैं। ज्ञान मिनिस्टर बन जाता है और इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को बुलाता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो सुरा ब्रांड के साथ साथ सारे ब्रांड्स के दारू को लो क्वालिटी में बनाएंगे और बेचेंगे। लो क्वालिटी की बात सुनकर सत्या गुस्से में आ जाता है और उठकर चला जाता है। गांधी भी उसका साथ देता है और वो भी वहां से चला जाता है। कुछ सालों बाद 2016 में ज्ञान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुका होता है और वो इनके सारे लाइसेंसों को रद्द करवा देता है। गांधी ज्ञान के नाजायज बेटे एंथनी को लाइव लाकर उसे कबूल करवाता है कि ज्ञान उसका नाजायज बाप है। ज्ञान ये देख के टूट जाता है और उनको उनका लाइसेंस वापस कर देता है। सत्या उनके सामने जाते ही अपना आपा खो देता है और उस पे हाथ उठा देता है। ये बात गांधी को अच्छी नहीं लगती। रॉकी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चलती और उसका डाइवोर्स केस मदुरै में चलने लगता है। गांधी के जन्मदिन ही उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद वो एक मंदिर जाता है जहां पर माइकल उसे ये बताता है कि वो जो कुछ भी मांगेगा वो पूरा हो जाएगा। उसे अपने बेटे की याद आती है और वो यही मांगता है कि वो अपने बेटे को एक बार देखना चाहता है। थोड़ी देर में सब डांस करने लगते हैं और उसी बीच वहां दादा आ जाता है और वो भी गांधी के साथ डांस करने लगता है। दादा गांधी को बताता है कि वो उसका बेटा है। गांधी ये सुनकर खुश हो जाता है। अचानक से दादा माइकल को गोली मार देता है और बताता है कि ये एक पुलिस एनकाउंटर है और वो स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर बन चुका है। कहानी फ्लैशबैक में दादा के बचपन में पहुंचती है जहां पर उसकी माँ गांधी को छोड़कर आई थी। उसके नाना उसकी माँ को बहुत बुरा भला सुनाते हैं और उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, पर वो शादी के मंडप से उठकर जाती है। दादा के मन में बचपन से ही अपने पापा गांधी के खिलाफ गुस्सा भरा होता है। वो बहुत मेहनत करके इंस्पेक्टर बन जाता है और अपनी सिफारिश लगा के तमिलनाडु में ट्रांसफर ले लेता है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलता है जहां पर वो माइकल और एंथोनी को पहले मारने का प्लान करते हैं। फिर रॉकी और उसके पापा सत्या को पकड़ने की सोचते हैं और अब वो माइकल को मारने के बाद एंथोनी को मार देता है जिससे पूरे गैंग में मातम छा जाता है और रॉकी दादा को ढूंढ के मारने की बात करता है। गांधी चुपचाप से सब सुनता है और वहां से चला जाता है और वो अपने बेटे दादा को अपने घर बुलवाता है और गांधी दादा को सब कुछ रोकने को कहता है, नहीं तो वो उसकी टीम के सारे लोगों को मार डालेगा। वो हंस के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉकी को दादा के बारे में पता चल जाता है और वो गांधी और सत्या को बताता है कि वो उसे मार देगा। गांधी रॉकी को अकेले में बुलाकर बताता है कि दादा उसका बेटा है। ये सुनते ही रॉकी उससे मिलना चाहता है। गांधी उसे दादा से मिलवाता है जहां रॉकी उसे बताता है कि कैसे उसके पापा 20 साल तक हर दिन उसे याद करते रहे हैं। ये सब सुनकर दादा काफी इमोशनल होने का नाटक करता है और रॉकी को गले लगाकर कहता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में वो उस पे गोली चला देता है। गांधी बहुत गुस्से में आ जाता है और सारे पुलिस वालों को मार डालता है। गांधी और दादा एक दूसरे पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दादा गांधी पर भारी पड़ जाता है। गांधी रॉकी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और फिर अचानक से वो उठता है और दादा पर हमला कर देता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। गांधी वहां से निकलता है और दादा के घर पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी होती है। वो गांधी को देखते ही उसे गले लगा लेती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर वो बेटे को बचाना चाहती है तो उसे यहां से लेकर कहीं और चली जाए क्योंकि दादा ने सत्या के बेटे को मार दिया है।
गांधी सत्य से मिलता है और कहता है कि उसे लगता है कि इन सब के पीछे ज्ञान का हाथ है, क्योंकि उसी ने स्पेशल टास्क फोर्स बनवाई थी जिससे वो इनसे बदला ले सके, और साथ ही ये भी कहता है कि रॉकी को भी उसी ने मारा है। ये सुनते ही सत्या कहता है कि रॉकी का बदला वो खुद लेगा और ज्ञान को फोन लगाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। गांधी भी हथियार लेकर अपने घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और कहती है कि वो जल्द ही वहां से जाने वाले हैं। गांधी को शक होता है और वो दादा से मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर वो वहां नहीं होता है। उसे ज्ञान का फोन आता है कि दादा उसके कब्जे में है। गांधी ज्ञान से मिलने जाता है और ज्ञान उसे सत्या को मारने को बोलता है। वो सत्या के पास जाता है और तब तक उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें वो देखता है कि रॉकी को कैसे मारा गया। गांधी उसे बता देता है कि उसके बेटे ने ही रॉकी और एंथनी को मरवाया है और वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। सत्या ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों से उसको बहुत पिटवाता है और कहता है कि ज्ञान से बड़ा गुनहगार गांधी और उसका बेटा है, साथ ही उसके बेटे को उसके सामने मारने की बात करता है। गांधी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। गांधी गुस्से में आकर सत्या और उसके आदमियों को मार देता है। गांधी अपनी गाड़ी को जलाकर उसे एक टक देखता रहता है, तभी वहां पर दादा आता है और गांधी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो उसे बताता है कि ये सारा उसका प्लान था जिससे कि गांधी सत्या को अपने हाथों से मारे। उसी के कहने पर ज्ञान ने गांधी को फोन करके उसके बेटे की किडनैपिंग के बारे में बोला था और साथ में ये बोलता है कि जैसे सत्या ने गांधी को दादा से छीना था, वैसे ही सत्या को उसने गांधी के हाथों ही मरवा दिया। गांधी को अपने आप पर बहुत शर्म आती है और वो बदला लेने की सोचता है और वो दादा को बोलता है कि ज्ञान ने बोला था कि उसने उसकी माँ को किडनैप किया है। ये सुनकर दादा परेशान हो जाता है। गांधी उसके मन में डाल देता है कि ज्ञान ने उसकी माँ को किडनैप कर लिया है और उसे मार देगा। उसको भरोसा दिलाने के लिए अपने एक आदमी को कॉल करके दादा के घर भेजता है और वो बताता है कि उसकी माँ वहां नहीं है। असल में उसकी माँ गांधी के घर पर होती है। गांधी गाड़ी से उतर जाता है और दादा गुस्से में आकर ज्ञान के यहाँ जाता है। गांधी घर पहुंचता है और सारे शराब की बोतल तोड़ देता है। फिर ज्ञान को फोन करता है और कहता है कि जिस तरह से बचपन में उसने एक बार उसका चुरा लिया था और बाद में उसी कुत्ते ने उसके चेहरे पर नोच कर निशान छोड़ा था और आज वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा दादा है। दादा वहां पहुंचकर ज्ञान को मार देता है। तभी गांधी दादा को कॉल करता है और कहता है कि सारा गांधी का प्लान था ये, जिससे दादा अपने हाथों से डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मार दे। वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और आज एक हत्यारा बन गया। गांधीवाद के आदर्शों पर चलने वाला आदमी आज एक क्रिमिनल है देश की निगाहों में और उसे जेल में पूरे उम्र सड़ना होगा, और यही गांधी का गेम प्लान है। और वो कहता है कि जब अपने पर बनती है तो आदमी कुछ भी करता है। उसने ये सोच के कि उसके बेटे दादा की जान खतरे में है, उसने सबको मार डाला, लेकिन दादा ने उसके साथ ही प्लानिंग की, तो ये गांधी का वॉर है जो उसे अब भुगतना होगा। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है।